हाय, आज का टॉपिक है स्टॉप ब्लेमिंग टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर जगह में हम ब्लेम करते हैं ना, सभी को ब्लेम करते हैं, हमारे प्रोग्रेस के लिए सभी को ब्लेम करते हैं। गवर्नमेंट सही नहीं है, सिस्टम सही नहीं है, मेरा साथ में मेरे पड़ोसी से सही नहीं है, बहुत सभी से सही नहीं है, ओके, या कुछ ना कुछ सही नहीं है। टॉपिक जाने से पहले एक कोट मुझे याद आ रहा है, तो कोट ऐसा है ना, Born poor is not a sin, but dying poor is a sin. क्या है ना, गरीबी में गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं है, मगर गरीब मरना पाप है। सब बोल सकते हैं ना, अगर मुझे भी, मैं भी बिल, मेरा बाप भी अगर बिल गेट्स से होता तो मगर अगेन वन मोर थिंग विच शेयर नो, ये जो पुअर की बोल रहा हूं ना, जिस मीन गरीब, गरीब मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, इट्स योर रिलेशनशिप। ओके, आप रिलेशनशिप में कैसे है, गरीब है क्या? आर यू पुअर इन योर रिलेशनशिप? आर यू पुअर इन योर हेल्थ? आर यू पुअर इन योर फाइनेंसेस? आर यू पुअर इन योर कैरियर? आर यू पुअर इन योर फाइनेंस, आई मीन बिजनेस? ओके, सो कैन वी चेंज इट? वी आर गुड इन टू ब्लेमिंग, है ना, बचपन से, एज फ्रॉम द स्कूल स्टूडेंट ऑनवर्ड्स। मेरा टीचर सही नहीं है, वो सब्जेक्ट सही नहीं है, मेरा स्कूल सही नहीं है, आसपास के लोग नहीं है, मेरा फ्रेंड्स सही नहीं है, इसी के वैसे मैं ऐसे हूं। वी स्टार्ट ब्लेमिंग एवरीबॉडी। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे काउंसलिंग के लिए आता है, लेकिन उनको उनको बच्चों को लेकर आता है और बोलता है कि मेरा लड़का, मेरा लड़की मुझे पढ़ता नहीं है और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है स्टडीज में, आप तो उनको काउंसिल करो। तो ये सेम ब्लेमिंग, ओके, मेरा पेरेंट, मेरा टीचर सही नहीं है, मेरा सब्जेक्ट सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ओके, मैं उनको ज्यादा एडवाइस नहीं देता हूं, पहली बात है, ओके, आई डोंट एडवाइस देम। इंस्टेड मैं क्वेश्चन पूछता हूं उनसे, मैं ये पूछता हूं कि आप ब्लेम करने से किसका लाइफ रिस्क हो रहा है, हूज लाइफ इज एट रिस्क और हूज कैरियर इज एट रिस्क, उनको समझाता हूं मैं, आई मेक देम रियलाइज, उसके बाद मैं इनमें प्रोग्राम करता हूं, मैं दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। So same thing, you know, applies everywhere. Like, मेरा पति सही नहीं है, मेरा पत्नी सही नहीं है, मेरे बच्चे सही नहीं है, मेरा रिलेशनशिप सही नहीं है, मेरा बिजनेस सही नहीं है, किसके वजह से, इसके वजह से, उसके वजह से, we give all the excuses or we blame everything. So क्या होता है, whose life is at risk, whose life is not progressing, हमारा life है ना। In fact, I remember 2004 में मैं जब मेरा गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मेरा जब सिंगापुर कंपनी ज्वाइन किया था, मार्केटिंग में ज्वाइन किया था, मैं टेक्निकल आदमी था और मार्केटिंग में जंप किया था, और मार्केटिंग में मतलब नो, इट इज एन ऑनलाइन प्रोडक्ट, सेमिनार्स, वर्ल्ड बेस्ट सेमिनार्स, ओके, ऑनलाइन पे प्रमोट करना, एंड इट वॉज नॉट ईजी। 6 महीने में स्ट्रगल किया, एक भी सेल नहीं हुआ। मैं एक्चुअली लोगों को ब्लेम नहीं किया, सिस्टम को ब्लेम नहीं किया, मतलब ये इंटरनेट अभी आए नहीं, इंटरनेट बहुत स्लो है, या लोगों के समझ में नहीं आ रहा क्या है प्रोडक्ट करके, मैं उनको ब्लेम नहीं किया। आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बोला आई एम लैकिंग इन सेल्स, मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, ओके, आई स्टार्टेड इंप्रूविंग इन दैट एरिया। कैसे, आई स्टार्ट, जो मैं प्रोडक्ट में बेच रहा था ना, उसी प्रोडक्ट के अंदर सब कुछ था, ओके, वी हैव द बेस्ट गुरुज ऑफ वर्ल्ड, तो उनका सेमिनार्स में सुनने लगा, उनका बुक्स पढ़ने लगा, and everything started to change in just 6 months time, and uske baad main challenge kiya, koi bhi mere samne dalo, I'm going to sell this product to them. Yes, I was selling it. Uske baad usi company ka marketing director bana main, and 6 mahine mein in fact 1000% growth diya maine, just by taking responsibility. So your life starts by taking responsibility. Yes, kuch cheez aise hota hai na, you cannot change. Okay, before that, no, ये ब्लेमिंग को हम माइंड पावर के पॉइंट पे देखेंगे, थ्रू माइंड पावर। ब्लेम करने से क्या होता है, व्हाट इज ब्लेमिंग, इज इट अ पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी? ब्लेमिंग नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, बोलिए। इट्स 100% नेगेटिव। जैसे हम ब्लेम करते हैं, आई एम वाइब्रेटिंग नेगेटिव, जैसे मैं नेगेटिव वाइब्रेट होता हूं, एंड द यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव मी मोर नेगेटिव, मोर एंड मोर नेगेटिव। Okay, I can keep blaming, but उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम मुझे होता है, अफेक्ट होता है, ओके, इट्स गोइंग टू अफेक्ट माई बिजनेस, इट इज गोइंग टू अफेक्ट माई रिलेशनशिप, इट इज गोइंग टू अफेक्ट माई कैरियर, माई फाइनेंस, एवरीथिंग इज गोइंग टू कोलैप्स बिकॉज आई एम वाइब्रेटिंग नेगेटिव। इंस्टेड ऑफ दैट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी।
द मोमेंट आई आस्क क्वेश्चन व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है मुझे. फॉर एग्जांपल हर जगह में ये प्रॉब्लम हो रहा कि नौकरी के बारे में, मेरा नौकरी चला गया, आई लॉस्ट माय जॉब, आई कैन ब्लेम द सिस्टम, आई कैन ब्लेम द गवर्नमेंट, आई कैन ब्लेम सो मेनी थिंग्स, बट उससे क्या होता है, कुछ मिलने वाला है क्या? नथिंग. इनफैक्ट आई बिकम मोर नेगेटिव. इससे तो अच्छा है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस, ऐसे बोला था देर आर सम एरियाज वेर यू कैन नॉट चेंज. मतलब प्रॉब्लम मेरे ऊपर नहीं है, there's a person, there's a real problem happening around me. कि उसको भी चेंज कर सकते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल इस टेस्टिमनी में मैं बता रहा हूं, ओके, लाइक दिस टेस्टिमनी. एक औरत मुझे फोन करके बोली, आई एम क्लोज टू सम 40-45 प्लस, ओके, एंड मेरा 20 साल का लड़का है. तो उन उम्र के, मतलब 20 साल के लड़का उस उम्र के लोगों को मैं बात करता हूँ ना, पर्टिकुलर मेल, ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, फर्स्ट कॉल तो ठीक है, नॉर्मल होता है, बट सेकेंड कॉल ऑनवर्ड्स इट बिकम्स वल्गर. उनके इंटेंशंस गलत है. सर 20 साल की नहीं बात कर रहा हूं, इवन 60 साल, 60 प्लस, मेरे बाप का जो एज का है, उनसे भी बात करने से भी फर्स्ट कॉल, बट सेकंड कॉल ऑनवर्ड्स इट बिकम्स वल्गर. जो भी मुझसे बात करता है, एवरीबॉडी इज जस्ट स्पीकिंग वल्गर. क्यों ऐसा होता है? हाउ कैन आई चेंज दिस? यस, मैंने बोला यू आर अट्रैक्टिंग इट. यू शॉक्ड, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं क्यों अट्रैक्ट करूं, आई डोंट वॉन्ट दिस. Yes, that's what the problem is. Maybe some incident would happen, some accident would happen. अगर एक कोई लड़का आपसे, I mean, आपको ऐसे बात किया होगा, आपसे ऐसे बात किया होगा. But what actually happens, you know, you started attracting again and again. You started thinking about, oh, दूसरा लड़के भी ऐसे होगा, वो दूसरा लड़का भी ऐसे होगा. तो क्या होता है? When you keep on asking like that again and again, you're vibrating negative. ओके, आई जस्ट गॉट इट शॉर्ट. मैंने उनको बोला ठीक है, विल डू द प्रोग्राम. जैसे मैं बोलता हूँ ये प्रोग्राम कंप्लीटली ऑनलाइन है, आप दुनिया में किसी भी कोने में रहिए, वी कैन रीच मी आउट, ओके. एंड उनको मैं प्रोग्राम किया था. एक महीने के बाद वो सेम औरत मुझे कॉल करके बोल रही, पता नहीं लोग कहाँ गया, सभी मुझे इतना रेस्पेक्ट देता है, आई कैंट बिलीव इट, आई कैंट बिलीव दिस लाइफ. सो आई अगेन अगेन मैं बार बार बोलता ना, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, योर एनर्जी इज द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ. सो व्हेन आई से एनर्जी, मतलब आपका थॉट्स, आपका जो सोच है. सो बी केयरफुल विथ योर थिंकिंग एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपको भी कुछ चेंज करना है, यू वॉन्ट चेंज समथिंग इन योर लाइफ एंड यू आर वेरी सीरियस टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, मेरा नंबर से फ्लैश हो रहा है, प्लीज डू कॉल मी एंड आई विल हेल्प यू आउट. एंड अगेन, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आ रहे तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना एंड बगल वाला बेल सिंबल क्लिक करना. एंड Facebook Live program में पहली बार आता हूं, मेरा Facebook Live program से regularly लेना. As I keep saying, the more you share, the more you gain. Again, Wilfred Stanley signing off from Rapid Mind Power. Bye. Thank you. Have a great day.